हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स लिली की लाइफ। तो आज है दिन बुधवार और अभी मैं सारा काम खत्म करके यहाँ पे अब मैं अपना एक कुर्ती प्रेस कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने सेंटर जाना है। तो सारा काम खत्म कर लिया है, अब मैं नहाने जाने वाली हूँ। तो उसी के लिए मैंने सोचा कि इसको धोकर रखी हुई थी ये कुर्ती, प्रेस नहीं थी, मतलब प्योर कॉटन है ना और बहुत ही पतली नरम सी है। इसको कुर्ती को मैंने मतलब हटा ही दिया था कि अब कभी कदार घर में ही पहन जाऊंगी, पर आज इतनी ज्यादा गर्मी है कि मैंने सोचा नहीं, इसी को मैं पहन के जाऊंगी। तो बस प्रेस करके रख दिया है वहां पर, देखा आप लोगों ने, और बेड वगैरह सब कुछ मैंने ठीक कर दिया है। दोपहर खाना भी बन चुका है, सारा काम खत्म हो चुका है। अब मैं झाड़ू लगाना सिर्फ बाकी रह गया है, तो बस झाड़ू वगैरह सब कुछ लगाया और नहा धोकर मैं रेडी होने आ चुकी हूँ कि मुझे अब जाना है 5 मिनट में ही। तो बस देखा यहाँ इतनी गर्मी लग रही है कि नहा कर आकर फिर से मैं फैन के सामने ही बैठ गई हूँ। देख सकते हो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, और हड़बड़ हड़बड़ सारा काम कर रही हूँ ना तो और भी ज्यादा गर्मी लग रही है। पता नहीं, 2-3 दिन तो बहुत अच्छा वेदर था, ठंड ठंड लग रही थी, पर फिर से इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ चुकी है कि पूछिए मत। तो चलिए मैं जल्दी फटाफट यहाँ पे क्रीम वगैरह सब कुछ लगा लिया है, बाल बस बालों में कंघी करूंगी और रेडी होकर मैं निकलूंगी। तो डेली की तरह नॉर्मल सा रेडी हो चुकी हूँ और हल्का सा वही क्रीम पाउडर वगैरह लगाया, और मेरे फेस पे देख सकते हैं आप कि अभी नहाकर आई हूँ, अभी जस्ट क्रीम वगैरह सब कुछ लगाया, कितनी स्वेटिंग हो रही है। तो समझ सकते हो कि अभी की कितनी ज्यादा गर्मी है। तो बस पापा को मैंने बोला, पापा के साथ ही जा रही हूँ, चलिए मुझे पहुँचा दीजिए। तो यहाँ देखिए मैं पहुँच चुकी हूँ, काफी देर हो चुका है, अभी नहीं आने के बाद ही तुरंत मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, कस्टमर थे तभी इसीलिए। और यही देखिए पूरा, और कितनी तेज धूप आ रही है बाहर से, इतनी लाइट आ रही है, गर्मी से बिल्कुल मतलब हालत खराब हो रही है। और हस्बैंड थोड़ा काम से निकले हैं, ब्रांच की तरफ गए हैं, तो मैं बस यहाँ पर बैठी हुई हूँ। कस्टमर खाली होता है तभी वीडियो वगैरह कुछ बनाना हो पाता है, तो बस ऐसे ही बैठी हुई हूँ, बोर हो रही हूँ। काम रहता है, कस्टमर रहता है तो अच्छा लगता है, खाली खाली नहीं लगता है, नहीं तो फिर फालतू बैठे रहो ऐसे ही। तो यहाँ देखिए पूरा सेटअप मैं आपको दिखा रही हूँ आज ऐसे ही। तो ये रहा हमारा रूम, तो अब हो चुका है हमारा घर जाने का टाइम। तो मैं बाहर में आकर बैठ गई हूँ, हस्बैंड सारा कुछ समेट रहे हैं, शटर बंद करेंगे। और ये रहा बाहर से हमारा CSP का लुक, कैमरे में उल्टा आ रहा है, नहीं तो वहाँ पे लिखा हुआ है मतलब क्या ग्राहक सेवा केंद्र SBI। और बस शटर बंद कर दिया है, अब खाना खाने का टाइम हो चुका है और हस्बैंड यहाँ पे फोन पे किसी से कुछ बात कर रहे हैं। और बाहर का नज़ारा देखिए, अधिकतर दुकान अब धीरे धीरे बंद हो रही है, सबके खाने का टाइम हो चुका है, तो अब शटर बंद करके जब जा रहे हैं तो चलिए चलते हैं घर खाना खाने। तो अब उसके बाद खाना खाने में आई, फिर से मैं आई थी सेंटर अपने, फिर अब हो चुका है रात, दोपहर के बाद आती हूँ, फिर वही होता है सेंटर बिजी हो जाते हैं हम लोग, फिर वही एक बार ही घर जाकर अब मैं खाना बनाने लगी हूँ। तो आटा गूंथ लिया है और यहाँ पर सब्जी माँ ने काट दिया था, तो मैं आई तो ये हेल्प हो गया। अच्छा सब्जी माँ ने काट कर रख दिया था, मैं आके तुरंत मैंने आटा गूंथा और यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी मतलब लग चुकी हूँ। तो आलू है, परवल है, नहीं परवल, हाँ परवल देख दो, परवल थे और खेक्सा, बहुत जगह पे ककोड़ा बोलते हैं, क्या कैसे बहुत जगह पे नामों से बोलते हैं, तो वो वाली भुजिया बना रही हूँ। सुबह में भी, सुबह की भी कुछ सब्जी रखी हुई है। तो अब जो हो चुका है नेक्स्ट डे, रात में खाना बनाया, फिर खाया, फिर सो गई थी, और अब फिर से यहाँ पर सुबह मैं खाना बनाने की तैयारी में ही लग चुकी हूँ क्योंकि मुझे फिर से जाना है। तो वही है, सारा काम भी खत्म कर लिया है, नाश्ता पानी सबका हो चुका है और बस ये मैं यहाँ खाना बनाने में लग गई हूँ। तो खाना लगभग आधा से अधिक बन ही चुका है, दाल में सीटी पड़ चुकी है, बस तड़का यहाँ पे मैं लगा रही हूँ। तो ये देखिए ये दाल है, तो मसूर की दाल बनाई है और चावल बन रहा है, आलू बैंगन की सब्जी बन रही है। तो दाल तो देखा आप लोगों ने बन चुका है, यहाँ पर आलू बैंगन की सब्जी के लिए पहले मैंने आलू और बैंगन को पहले थोड़ा तेल में तल लिया और वहाँ पर प्याज और मसाले देकर इसकी जो मसाले को मैं अच्छे से भून रही हूँ। तो सारा खाना बनाकर मैं ऊपर आ गई थी अब अपने बेडरूम को साफ़ करने के लिए, ऊपर का पार्ट साफ़ करने के लिए, नीचे तो एक बार होता है सुबह में। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि माँ पापा जा रहे थे अपने काम पे, माँ को पहुँचाने के लिए जा रहे थे, पापा तो हमारे घर में ही दुकान है वो संभालते हैं, और यहाँ पर माँ को लेकर जा रहे हैं। तो बस यहाँ पर मैं अब ऊपर वाला जल्दी जल्दी मैंने अपना काम ख़त्म किया और नहा धोकर बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, पापा का इंतज़ार कर रही हूँ अब पापा मुझे पहुँचा दें। तो हमारी दुकान है तो वहाँ पे कुछ कस्टमर आए हुए थे, तो वहाँ पे थे पापा,
तो 5-7 मिनट अभी लगेगा। तो वही मैं यहाँ पे पापा का इंतज़ार कर रही थी कि वो आ जाए फिर मुझे पहुँचा दे। और गर्मी से हालत ख़राब हो रही थी, नहा कर भी आई हूँ, रेडी हो गई थी, फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो देख सकते हो मैं पहुँच चुकी हूँ और बस कस्टमर थे यहाँ पे। तो फ़िलहाल अभी हस्बैंड बैठे हैं मेन चेयर पे, वो कर रहे हैं, मैं साइड में आकर थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी कि अच्छा मैं करती हूँ। और कुछ कुछ साथ में हस्बैंड के साथ मैं पूछ भी रही थी कि हाँ ये कैसे होगा क्या होगा। अभी भी बहुत सारे काम हैं जो मुझे अभी सीखना है, मैंने अभी अच्छे से नहीं सीखा है। मुझे तो उतना लैपटॉप कंप्यूटर का नॉलेज नहीं था, हस्बैंड इसके तो माहिर है, पर वही है जितना अभी सीख रही हूँ। तो अभी थोड़ा सा खाली बैठी थी और हस्बैंड गए हैं बैंक ब्रांच, गए हैं हमारे ब्रांच में बस। तो मैं थोड़ा सा टाइम पास कर रही थी, कोई कस्टमर नहीं था इसलिए, तो बस ऐसे ही बैठकर थोड़ा सा रील वगैरह बना लिया। और अगर इंस्टाग्राम पे मुझे देखना चाहते हैं तो वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। एक मिनट, मेरे लीली के लाइफ यूट्यूब चैनल लीली के लाइफ से ही मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है, तो अगर इंस्टाग्राम पे है तो वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर बैठी हुई, अभी कस्टमर भी नहीं है, हस्बैंड आते हैं या फिर कस्टमर आएंगे तो फिर ब्लॉग बंद कर दूंगी। तो सोचा भी थोड़ा सा बना लेती हूँ, नहीं तो फिर वही वीडियो बनता ही नहीं है। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, 2-3 दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ गई है हमारे यहाँ, कुछ मत। जन्माष्टमी के दिन और उसके बाद वाला दिन बहुत अच्छा था, पर उसके तीसरे चौथे दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गया है। और भादो का महीना भी चल रहा है तो समझ सकते हैं कि भादो की गर्मी होती ही वैसी ही है। भादो ख़त्म होगा फिर इसके बाद दुर्गा पूजा आएगा, तब थोड़ी सी राहत मिलेगी। दुर्गा पूजा के बाद से ही थोड़ी सी गर्मी कम होती है। तो ठीक है, कस्टमर आ रहा है तो मैं फिलहाल भी बंद करती हूँ। तो बस यहाँ पर कस्टमर आ गए थे तो वहीं पे यहाँ पर मैं ट्रांजैक्शन कर रही हूँ और उन लोगों से कुछ सवाल जवाब भी करने पड़ते हैं कि आप क्या करना चाहते हो, चेक करना चाहते हो ट्रांजैक्शन में, विड्रॉल डिपॉजिट ये सब क्या करना चाहते हो। तो वही यहाँ पे कर रही हूँ और चलिए उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट आप लोगों से रात के टाइम मिल रही हूँ। दोपहर में फिर इसके बाद कोई वीडियो मैंने नहीं बनाया, घर आई खाना वगैरह खाया फिर चली गई, फिर वही फिर उसके बाद वीडियो फिर बनता ही नहीं है, वही होता है कि हाँ वहाँ का काम करना। तो यहाँ पर हो चुकी है रात और रात का मैं अभी खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पे है बरबट्टी काटा है, आलू और बरबट्टी और प्याज टमाटर सब कुछ तैयारी मैंने कर लिया, आटा भी गूँथ लिया है और वही है सब्जी मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले वही तेल में मैंने 5 फोड़न दिया, बारीक कटा हुआ प्याज दिया और वो जो बरबट्टी और आलू मैंने काटा था उसको मैं डालकर अच्छे से अभी इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। तो सोच रही हूँ कि भुजिया बनाऊँ या सब्जी बनाऊँ, देखते हैं। तो आलू अगर अच्छे से पक गया तो देखूँगी, भुजिया भी बना सकती हूँ या सब्जी भी बना सकती हूँ। तो फिलहाल अभी इसको मैं थोड़ी देर टाइम देकर अभी अच्छे से मैंने फ्राई किया, फिर उसमें वही बेसिक मसाले जो होते हैं हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक दे दिया है, नमक भी नहीं दिया है, टमाटर दूंगी उसके बाद मैं नमक दूंगी। तो इसको भी मसाले को भी थोड़ी देर मैंने फ्राई किया और फिर इसमें मैंने टमाटर दे दिया और साथ में नमक दे दिया है ताकि जो है टमाटर अच्छे से गल जाए। तो पहले तो सोचा कि भुजिया बनाऊंगी पर थोड़ा ड्राई ड्राई लग रहा था तो मैंने फिर हल्का सा पानी दिया है। और यहाँ पर देखिए मेरी सब्जी बिल्कुल रेडी है, पक चुकी है अच्छे से, आलू भी अच्छे से पक चुका है, तो बस ना सूखी ना ज़्यादा रस वाली ये सब्जी है। तो आलू और बरबट्टी की सब्जी रेडी है और उसके बाद फिर मैंने फटाफट रोटियाँ सेक लिया है क्योंकि अब तो लेट हो ही रहा है, खाना खाने का टाइम हो गया है, मतलब अभी लेट है, 8:30 बजे से सब खाना खाएंगे। तो बस सब्जी बनाकर तुरंत मैं रोटियां बनाने में लग गई थी, तो कुछ 2-4 रोटियां मैंने बनाया और बाकी सब मैंने पराठा बना दिया। और अब हो चुका है रात सोने का टाइम, तो बस खाना वगैरह खाया, किचन क्लीन किया, बर्तन वगैरह धोया और अभी फिर ना बिजली चमकने लगा था, मौसम थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो फिर उसके बाद कोई वीडियो नहीं बना है। तो ब्लॉग यहीं पर एंड होता है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।